नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सिंह और आप देख रहे हैं पेन डॉट न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, भारत के द्वारा कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के अनेक बड़े नेताओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने एक ट्वीट किया। रहमान मलिक ने पीएम मोदी और यूनाइटेड नेशंस को ट्विटर पोस्ट पर टैग कर लिखा, आपके देश के ही नेता है जो कश्मीर में हो रही हिंसा के बारे में ये सब कह रहे हैं, इन्हें सुनिए। लेकिन इस ट्वीट में वो सबसे बड़ी गलती कर बैठे, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बजाय यूएनओ गेम्स को टैग कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और सीनेटर रहमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से लेकर वहां मौजूद सभी मंत्री सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इन्हीं नेताओं में सांसद रहमान मलिक भी शामिल है, जो ट्विटर पर कश्मीर मुद्दे के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड नेशंस के सामने अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी गड़बड़ी कर बैठे। दरअसल रहमान मलिक ने पीएम मोदी और यूनाइटेड नेशंस को ट्विटर पोस्ट पर टैग कर लिखा, आपके देश के ही नेता है जो कश्मीर में हो रही हिंसा के बारे में ये सब कह रहे हैं, इन्हें सुनिए। लेकिन इस ट्वीट में वो एक बड़ी गलती कर बैठे, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बजाय यूएनओ गेम्स को टैग कर दिया। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग रहमान मलिक को जमकर ट्रोल करने लगे। ये ट्वीट कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को जवाब के तौर पर लिखा गया था। गुलाम नबी आजाद ने कहा था, मोदी सरकार ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। इसके जवाब में रहमान मलिक ने यह पोस्ट किया। अब यह ट्वीट डिलीट कर दिया जा चुका है। बता दें कि यूएनओ गेम्स एक मल्टीप्लेयर कार्ड गेम है। वहीं लोगों ने ट्रोल करते हुए कहा कि सांसद रहमान मलिक को क्या यूएनओ और यूएनओ गेम्स के बीच का अंतर भी नहीं पता। एक यूजर ने लिखा कि पोकर और यूएनओ पर आप फोकस करें, कश्मीर हम पर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटे के निशान को दबाना न भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद दोस्तों।